जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक पाक मीडिया की ताज़ा और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जब इमरान खान ने पिछले दिनों भारत से कहा था कि हम हर तरह के रिश्ते ख़त्म करने जा रहे हैं और ट्रेड भी बंद करने जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान तो यह कहकर सो गया, लेकिन पाकिस्तान के व्यापारियों को यह कभी भी रास ना आया और उन्होंने भारत के साथ ट्रेड शुरू रखी। इससे पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि जो दवाइयाँ पाकिस्तान जाती थी उन पर पाकिस्तान सरकार को कम से कम टैक्स तो नसीब होता था, उसके बाद तो वो भी नहीं मिल पाया। और देखिए दोस्तों, इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आया है कि हमने इसमें डबल नुकसान कर लिया। अगर इंडिया के साथ हम कोई किसी भी तरह की ट्रेड बंद कर देते हैं तो भी भारत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारे 5 रुपये की आइटम 25 रुपये की हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं बढ़िया और मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पाक मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटेंट की बात होती है यार, आप कंटेंट पे ध्यान दिया करें, आप उसके ऊपर तबसरा किया करें, आपको इसका क्या बनता है। पिछले दिनों इन्हीं में से एक साहब ने कहा कि जी आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे, वो जो इंडिया से इम्पोर्ट के नाम पर फ्रॉड हुआ है और इतने करोड़ डॉलर जो है वो इतने अरब रुपए का जो है ये जो फ्रॉड है, मतलब कम से कम 30 से 35 अरब रुपए का जो हुआ है। अच्छा, ये हमें इसके बारे में थोड़ा सा तो इल्म था, लेकिन हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान में सरकारी तौर पर ये हो। 5 मई की जो कैबिनेट मीटिंग थी, फेडरल कैबिनेट मीटिंग थी, उसके अंदर ये इशू टेकअप हुआ। और इशू क्या है? इशू ये है कि जब भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर तजारती पाबंदियाँ लगाईं। और तजारती पाबंदियाँ क्या थी कि यूनिलेटरली हमने भारत के साथ तजारत बंद कर दी। पाकिस्तान की भारत के साथ कोई इतनी बड़ी तजारत नहीं है कि उसको को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो भारत से चीज़ें बराह रास्त इम्पोर्ट हो रही थी उससे पाकिस्तान के कंज्यूमर को बहरहाल कम कीमत चीज़ें मिल रही थी, और उसके अंदर बहुत सारी दीगर चीज़ों के अलावा एक जो था वो ये भी था, ये जो जिसे कहना चाहिए रॉ मटेरियल जो होता है मेडिसिन का, भारत बड़ी मार्केट है। रॉ मटेरियल जो मेडिसिन का बनाना होता है ना, उसके लिए एक सर्टन डिमांड आपको चाहिए होती है किसी भी मेडिसिन का। उस डिमांड के बगैर आप उस रॉ मटेरियल के ऊपर, क्योंकि लागत बहुत आनी होती है ना रॉ मटेरियल जो होता है, क्योंकि 1 किलो आप यूँ समझ लें कि 1 किलो उस दवाई से 1 लाख गोलियाँ बननी होती है, ठीक है। तो अब अगर आप वो टनों के हिसाब से वो दवाई बनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी करोड़ों गोलियों की डिमांड तो मौजूद होनी चाहिए ना आगे। अगर आपके पास इतनी बड़ी डिमांड नहीं है तो आप फिर वो कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को जस्टिफाई कर पाएंगे, नहीं हो पाते। तो बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो रॉ मटेरियल बनाने की करते हैं। यूरोप के अंदर जो बनाते हैं रॉ मटेरियल बड़ा महंगा बेचते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि वो किसी एक सॉल्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। 2-3 कौमें मिलकर किसी एक सॉल्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन पैदा कर लेती हैं। इसी तरह ये, लेकिन अमेरिका सॉरी इंडिया और चाइना दो ममालिक ऐसे हैं, और तीसरी डोमेस्टिक डिमांड भी ठीक ठाक है और वो अपना जो स्पिल ओवर होता है वो दूसरों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम इंडिया से मेडिसिन का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे जिसकी इंपोर्ट बंद हो। तो एक समरी जफर मिर्जा साहब रजाक दाऊद साहब लेके गए कि जनाब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, ये रॉ मटेरियल वहाँ से आता था, उसकी गोलियाँ बनाते आ गए मार्केट करते थे, ये बंद हो गई हैं, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। कबीना ने अप्रूवल दे दी। 5 मई को मामला टेकअप हुआ कि जनाब हमने तो इजाज़त, ज़ाहिर दूसरी पार्टी पहुंची ना, हाँ दूसरी पार्टी ने कहा कि जनाब आपने तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, यहाँ पे तो पैरामिटामॉल तक जो है वो इंपोर्ट हो रही है भारत से, जो कि रोज़ाना आपको घर में अगर सर दर्द हो तो आप इस्तेमाल करते हैं। तो जब उसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि हर ब्रांड की दवाइयाँ आई हैं, तकरीबन 380 ब्रांड की दवाइयाँ जो हैं वो मुख्त सूरत में इम्पोर्ट हुई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। रॉ मटेरियल के ऊपर अगर आप, रॉ मटेरियल 0% ड्यूटी पे था ना, तो ये जो मेडिसिंस थी इनके ऊपर तो 300% 400% 500% थी। और पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है इंडिया के अंदर मेडिसिन की कीमत में और पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन की कीमत में। आप यूँ समझ लें कि जो दवाई इंडिया के अंदर 1 रुपये की है वो पाकिस्तान में 5 रुपये की थी, और इस 5 रुपये वाली दवाई के अंदर भी 500 गुना
500% इजाफा करके उसको 25 रुपए का कर दिया था इसी हुकूमत के आमर कियानी साहब ने ना, जिसको हटा दिया गया था, लेकिन दवाइयों की कीमतें वापस नहीं आई। जिस तरह चीनी की कीमत बढ़ गई, चीनी के ऊपर छोर भी पड़ लिया, क्रेडिट भी क्लेम कर लिया कि हमने करवाई है, लेकिन चीनी की कीमत वापस नहीं आई। आटे की कीमत बढ़ गई, हमने उसका वो भी करवा ली, ठीक है, सूबाई मिनिस्टर भी फटका दिया, लेकिन आटे की कीमत वापस नहीं आई। इसी तरह दवाइयों की कीमत जो थी, अब हम देखें कि वो 1 रुपए वाली दवाई जो थी वो 25 रुपए में जब जिस बंदे ने इंपोर्ट करके बेची होगी तो उसने तो लंबा ही माल बनाया होगा ना। अब उसकी एक ये भी सूरत हो सकती है कि इतना कमाया जाए साढ़ा ही सकते हैं, ये भी एक सूरत हो सकती है, लेकिन उसके लिए उन्होंने इंक्वायरी कमेटी का दे दिया। लेकिन इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी जिस बंदे ने करनी है वो हम मनसब, हम मकतब और हम प्याला हैं जनाब जफर मिर्जा साहब के, तो उन्होंने तो जफर मिर्जा को ऐसे निकालना है इसमें से जिसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। आप, मैं कसूरवार हो सकता हूँ, मेरा कैमरामैन कसूरवार हो सकता है, मेरा प्रोड्यूसर कसूरवार हो सकता है, जफर मिर्जा कम अज कम उसके हाथों कसूरवार करार नहीं पा सकता। तो लिहाजा